मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सुधार किया है, पर मुझे दुख सिर्फ एक बात का है कि पंजाब के अंदर उनका नाम बिल्कुल खत्म कर दिया था। मैं खुद एमसी की सीट पे खड़ा हुआ था इलेक्शन के अंदर, मुझे खुद को 27 वोट पड़े थे, हमने फिर भी आपका साथ दिया और आज भी आपके साथ हैं, पर हम आपसे हाथ जोड़ के एक ही हमारी प्रार्थना है, कोई सरकार इस नशे को खत्म नहीं कर सकती। पंजाब हमारा खत्म हो चुका है, मैं खुद नशे का आदि हूँ, आज भी करता हूँ, पर आगे से मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। ये मेरे कुछ भी मान लो भी, मैंने क्यों छोड़ा है, क्यों ऐसा करना चाहता हूँ, पर मैं मोदी जी से एक ही हाथ जोड़ के बेनती करना चाहता हूँ कि कोई सब सरकारें खाऊ सरकारें हैं, मैं ठोक के बोलता हूँ, जितनी सरकारें हैं सब खाती हैं, सब वोटों के लिए चल रहा है, पर मेरा हाथ जोड़ के आपसे बेनती है, ठीक है आप वोटों के लिए कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारी आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को बचाइए, इस नशे को पंजाब से मुक्त करवाइए, ये मोदी जी आप ही करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। पंजाब के एक वोटर हैं और नशे का आलम पंजाब में दरअसल ये है कि तमाम जो सरकारें दावा करती आई उसके बाद भी नशे का जो रेवेन्यू रेट है, रेवेन्यू मतलब कमाई, सरकार की कमाई, जाहिर तौर पर जहां से कमाई ज्यादा होगी सरकार वहां से डिफोकस नहीं होना चाहेगी, लेकिन ये बड़ा मैसेज है पंजाब के लिहाज से। सर आप वोट करते हैं? हाँ जी सर। क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए इस बार के इलेक्शन के लिहाज से? मुद्दे सर बेरोजगारी और ये नशा जो फैल रहा है हरियाणा पंजाब में, उधर बहुत ज्यादा है, हरियाणा से नशा बहुत ज्यादा है सर उधर, नशा कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। नशे के अलावा और क्या वहाँ की समस्याएं हैं जिन पर फोकस? बेरोजगारी मेन मुद्दा है सर हरियाणा में, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या आपको लगता है कि पूरे देश में एक बड़ी समस्या है? हाँ देश में भी ज्यादा है, क्योंकि सर युवा आबादी ज्यादा है फिलहाल कंट्री में, तो उसकी वजह से देश में भी ज्यादा है, हरियाणा में भी काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले 4-5 साल में सरकार कोई भर्ती नहीं कर पाई। अच्छा, ये वहाँ पर भी यही हाल है? हाँ यही हाल है वहीं भी। तो ज्यादातर राज्य सरकारों के ऊपर ये आरोप कि वो भर्तियां पूरी नहीं करवा पाती हैं। एक तजुर्बेकार वोटर भी हमारे साथ, आप वोट करती हैं मैम? जी। क्या मुद्दे आपके हिसाब से होने चाहिए? अभी तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। कहाँ वोट करती हैं आप? झांसी। झांसी के वोटर हैं। ओके, आपको लगता है सभी बढ़िया चल रहा है? हाँ, हमारे यहाँ योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। तो सरकार को मार्किंग अच्छी देंगी आप? हाँ बिल्कुल जी। और क्या करना चाहिए सरकार को? हमारे यहाँ तो सभी अच्छा चल रहा है, सभी अच्छा चल रहा है, योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, तो हमारे उसके लिए अब क्या, बहुत शुक्रिया है उनका। शुक्रिया है। वुमेन सेफ्टी वगैरह या ये रेल परिवहन, इसमें कोई सुधार होना चाहिए? देखिए हमारे झांसी में तो आज तक कभी कोई गड़बड़ हुई नहीं है, ना वुमेन्स के उसको आज कोई कुछ भी नहीं होता है, और रेलवे के तो हम लोग खुद ही रेलवे में है तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो रेलवे भी बेहतर काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक आइकन दिया है दरअसल देश को, एक फिल्म आई थी फैसला ऑन द स्पॉट, एक डायलॉग हुआ करता था, हालांकि इसको लेकर कहा भी बहुत कुछ जा रहा है, इसकी आलोचना भी हो रही है, बट उन्होंने एक एक्शन दिया बुलडोजर, पहले बुलडोजर सड़क बनाने का पर्याय था, अब बुलडोजर घर ढहाने का या फैसला ऑन द स्पॉट का पर्याय बना हुआ है।